मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम की। जी हाँ, क्या है और कैसा है बागेश्वर धाम, जानिए कैसे तिरहोताई से चमत्कारी बाबा बन गए धीरेन्द्र शास्त्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम की। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथाओं का प्रसारण हर टीवी चैनल पर होता रहता है। धीरेन्द्र मानते हैं कि वह जो कुछ भी करते हैं वह चमत्कार नहीं बस हनुमान जी की कृपा से है। देश भर में पिछले एक हफ्ते से बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है, मीडिया में भी यही नाम छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या और कैसे हैं बागेश्वर धाम, आखिर क्यों यहाँ के बाबा इतने पॉपुलर हुए। छतरपुर से खजुराहो की ओर फोर लेने रास्ते पर करीब 15 किलोमीटर चलने पर भी बाएं हाथ पर एक रास्ता कटता है जो गड़ा गांव की ओर जाता है। रास्ते पर लगे बोर्ड और होर्डिंग से ही अंदाजा हो जाता है कि ये रास्ता आम नहीं है। चौराहे पर खड़े ई रिक्शा और टेम्पो 10 से 20 रुपए में बागेश्वर धाम सरकार तक आपको ले जाते हैं और वहां पर ले जाने के लिए आपको आवाज भी लगाते हैं। पहाड़ी पर स्थित है बागेश्वर धाम, बने हैं वहां पर दो मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ऊंचे नीचे व ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से भरे रास्ते पर 2 किलोमीटर चलने के बाद शुरू होता है गड़ा गांव। जी हाँ, जहाँ इन दिनों श्रद्धालुओं और दुखियारों का डेरा है। लेकिन गड़ा गांव पर हम अभी बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे बागेश्वर धाम की। 1000 लोगों की आबादी वाले गड़ा गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी पहाड़ी है और यहीं स्थित है बागेश्वर धाम। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको दो छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे। इसमें से एक है भगवान बागेश्वर महाराज यानी कि शंकर जी की छोटी सी मड़िया। ये इतनी छोटी है कि शिवलिंग को स्पर्श करना हो तो आपको झुककर भी यहाँ पर आप मुश्किल हो जाता है। बागेश्वर धाम के नाम के पीछे की एक कहानी है। जी हाँ, यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है। पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया कि चूंकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बागेश्वर कहते हैं, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मड़िया के पास ही बना है। बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इसी की सिद्धि मिली हुई है और इन्हीं के दम पर वह लोगों का भूत व भविष्य बताते हैं। पेड़ से चिमटकर चीखते चिल्लाते मिले लोग। जी हाँ, बालाजी के मंदिर से सट कर ही लगा है एक बड़ा सा पेड़ जिससे चिपट कर लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसके बारे में दीपेंद्र कहते हैं कि ये प्रेत बाधा से ग्रस्त लोग हैं जो यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में पॉजिटिव एनर्जी है और उसे छूकर या उसमें चिपट कर इन लोगों के दिमाग पर छाई नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यही हमें कुछ लोग ऐसे भी दिखने को मिले जिनको जंजीर से बांधा गया है और वे जमीन पर लोट रहे हैं। इन तीनों जगहों के आसपास बैरिकेड लगाई गई है और दिलचस्प ये है कि मंदिर से दूरी बनाने के लिए लगाई गई बैरिकेड पर ही काले लाल और पीले रंग की पोटलियां बंधी हुई हैं। इन पोटलियों में अलग अलग फरमाइशें या श्रद्धालुओं की मन्नतें हैं। काले में प्रेत बाधा से मुक्त, तो पीले में शादी ब्याह की मन्नत हो और लाल में सामान्य कामकाज करवाने वाले की अर्जी। लोगों में अटूट भरोसा, जो मांगा वो मिलेगा। जी हाँ, झारखंड की मुगला जिले में आए शैलेंद्र सिंह का परिवार लाल कपड़े में नारियल बांधकर बैरिकेड में बांध रहा था।
हमने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो मुस्कुराते हुए वे कहने लगा कि बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं, कुछ मांगा है। हमने पूछा, किसने कहा कि ऐसा करने को? तो बताया कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, भरोसा है जो मांगा वो मिलेगा। हाँ, इतने लोगों को मिला है तो हमें भी मिलेगा। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो सुनी सुनाई सुनकर चले आते हैं। सामुदायिक भवन में मिलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इन दो छोटे छोटे मंदिर के दर्शन कर नीचे उतरते ही वहीं पर बना है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का वो स्थान जहाँ पर रहते और जनता से मिलते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे ये दो मंजिला इमारत गांव की पंचायत का सामुदायिक भवन है, जिसमें धीरेन्द्र ने लोगों की सहूलियत के लिए ठिकाना बना लिया है। इस परिसर में एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन करके चले जाते हैं। जिसे मिलना होता है उनसे धीरेन्द्र शास्त्री टोकन व्यवस्था की मदद से समय देकर मिलते हैं। आने वाले लोगों की समस्या सुनने के बाद उनको पेशी पर बुलाते हैं। पेशी का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं बल्कि सामने पहाड़ी पर बने मंदिर में 5 या 10 बार आना होता है। अर्जी लगाने के बाद यही पेशी होती है। लोगों को भरोसा है कि पेशी और बालाजी के दर्शन के बाद दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। इस तरह बड़ा होता गया धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। जी हाँ दोस्तों, जो आज इतना बड़ा दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों से, अपने चाहने वालों से, दुखियारों से मिलते हैं, वो सब अचानक नहीं या चमत्कार नहीं। धीरेन्द्र जहाँ पर बैठते हैं वहीं पीछे की तरफ उनके दादा सन्यासी बाबा के बैठने का स्थान है। बेहद सामान्य तरीके से रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाने लगे, ये पूछने पर उनके मित्र रिंकी सिंह बताते हैं कि इनके परिवार में पुरोहिताई का काम होता था। इनके दादा भी यही काम करते थे, यानी कि पर्चा पर कुछ लिखकर भूत भविष्य बताने का काम। शुरुआती दिनों की छोटी मोटी पुरोहिताई के बाद धीरेन्द्र राम कथा करने लगे। आसपास के गांव में कथा से जो भी मिलता था उसे रख लेते थे। इस बीच कुछ कठिन सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगी तो उनका दरबार बड़ा होता गया। ऐसा नहीं है, कोरोना काल और YouTube ने पूरे की पूरे देश में उनको पॉपुलर किया है। जी हाँ, रही सही कसर कोरोना काल और सोशल मीडिया के प्रचार ने उनकी पूरी कर दी। लोगों ने घर बैठे खूब कथा सुनी, लाइव प्रसारण देखा और YouTube ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, महाराज की ठेठ बुलंदी बोलने लगी। उनका लड़कनपन, बोलचाल की अदा, अपने बालाजी पर अटूट भरोसे ने ही उनको पिछले 2 साल से ही भारी भरकम लोकप्रियता प्रदान की। हर मंगलवार और शनिवार को गड़ा गांव में मेला लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा की अगले 2 साल तक की भरपूर बुकिंग है। एक टीवी चैनल उनकी कथाओं का निर्बाध प्रसारण करता है। धीरेन्द्र मानते हैं कि वो जो करते हैं वे चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी की कृपा है। दोस्तों, एक बार मेरे साथ बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। जय सियाराम, जय जय हनुमान। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं और आप बागेश्वर धाम में श्रद्धा रखते हैं तो आप मेरे चैनल अध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएँ हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।